पहलवान मुझे शुमार थे दीपक का। ओलंपिक मेडल टोक्यो में बहुत कम फासले से चूके थे, अन्यथा एक मेडल के नाम भी होता। शुरुआत में ऑक्सन है जिनका पहला कॉमनवेल्थ गेम्स, ये देखिए एक हाथ गर्दन पर दूसरा हाथ से हाथ पकड़ा हुआ है, एक काम की तलाश है दोनों परिवारों को। पहला मुकाबला है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं दीपक पुनिया। हालांकि न्यूजीलैंड के पहलवान उनके सामने इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं रखते हैं। बिल्कुल उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, इशारा किया गया कि हाथ पकड़िए लेकिन उंगलियां मरोड़िए मत, आपको इस बात की इजाजत नहीं। कई बार क्या होता है संजय, जब बड़ा पहलवान पहला मुकाबला खेलने आता है और इतना अच्छा पहलवान सामने नहीं होता, तो वो वार्म अप के रूप में यानी उस मैच को लेता है। इस बार लगे उनके पैर पे भागने का बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं न्यूजीलैंड के पहलवान, लेकिन भागने नहीं दिया गया तो उनके बटोरे और एक वही स्थिति पिछले बार में प्रयास बहुत ज्यादा फासला दोनों पैरों के बीच में, लेकिन बैठक की तरह कूद गए और ये मार दिया। और इस पर छटक नहीं सकते रेफरी द्वारा न्यूजीलैंड के पहलवान को हिदायत दी गई कि आप एरिना से भाग ना पाए। बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड जाकर के एक पॉइंट देकर के बचना चाह रहे थे, लेकिन रेफरी ने कहा नहीं अंदर आइए, बिल्कुल बीच खाने में लड़ने की कोशिश कीजिए, बीच मैट पर लड़िए। 2-0 से आगे इस समय पूर्णिया और सिर्फ 13 मिनट के आसपास का वक्त समाप्त हुआ है। दोनों के साथ खड़े हुए हैं, भुजाएं एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइट है, तलाश में है नाव की। दीपक को मिला था मौका पिछली बार, उन्होंने बेहतरीन नाव लगाया और 2 पॉइंट्स भी हासिल किए, लेकिन न्यूजीलैंड के पहलवान की भी तारीफ करनी पड़ेगी, किसी भी तरह फितरे दाव से बच गए। अब बिल्कुल फितरे होता तो टेक्निकल सुपीरियरिटी का काम हो जाता, क्योंकि जबरदस्त दाव है वो। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर आउट ऑफ है, 2 पॉइंट्स यहाँ पर दीपक पुनिया, आप वो बराबरी बना के इस मुकाबले में नहीं, वही एक मिनट के लिए स्कोर जो था अब ऑक्सन हैम के फेवर में दिखाया गया। फिलहाल दीपक पुनिया के पास टीम है 4-0। बिल्कुल वो जो भी पॉइंट दे रहे हैं न्यूजीलैंड के रसलर रेड जोन के ऊपर जाके दे रहे हैं ताकि प्रोटेक्शन एरिया में सके अपनी जान बचाई जा सके, लेकिन जान बचाना बहुत मुश्किल है। शून्य के मुकाबले 4 अंकों से भारतीय पहलवान दीपक पुनिया अभी बढ़त बनाए गए। जहां तक पुनिया का सवाल, एशियन चैंपियनशिप में 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, नंबर 2 पर आए थे यानी कि रजत पदक जीता था। यहाँ सिंगल लेग अटैक के लिए जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ पकड़ बनाई है दीपक पुनिया ने, 2 पॉइंट्स पहले ले चुके हैं और 2 पॉइंट्स और दीपक के नाम। जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रोटेक्शन एरिया से बाहर जाने का फायदा लेते हैं और कुछ टीम को थोड़ा बचा लेते हैं न्यूजीलैंड के रसलर, इस बार इटली वाली टीम से यानी कि टीम कहते हैं जो बजट दुनिया नहीं लगाया था, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। और भारत ने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा फ्री स्टाइल वर्ग में महिला और पुरुषों के 5 स्वर्ण पदक जीते हैं पिछली बार बात करें और उससे पहले की भी बात करें, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स छोड़ दे तो वहां 10 गोल्ड मेडल थे, लेकिन वहां पे ग्रीको रोमन स्टाइल शामिल थी। बिल्कुल इस बार 5 का रिकॉर्ड तो टूटने वाला है, 5 से ज्यादा नहीं जाएंगे। ये लीजिए 2 पॉइंट्स और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त। दीपक पुनिया ने टेक्निकल सुपीरियरिटी पर इस मैच को जीत लिया, इस मुकाबले को जीत लिया और तारीफ करनी होगी हमारे न्यूजीलैंड के पहलवान की भी, लगातार वक्त खरीद के रहे, परचेज करते रहे, बाय करते रहे।